गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने n सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर सिग्मा x y डायरेक्टली दिया होगा, उसका फार्मूला हमने देखा। r इक्वल टू n सिग्मा x y माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y डिवाइड बाय अंडर रूट फर्स्ट ब्रैकेट में n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x द होल स्क्वायर, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y द होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला से हमने कैलकुलेशन किया। ठीक है, अब उसके बाद न्यू टाइप ऑफ बाइवेरिएट, बाइवेरिएट के स्पेलिंग के अंदर गड़बड़ है, आप सही स्पेलिंग लिखना बोर्ड पर से। बाइवेरिएट टेबल, बाइवेरिएट टेबल उसका मतलब द्विचल आवृत्ति वितरण, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। बाइवेरिएट टेबल वाला जो एग्जांपल है, ये नया एग्जांपल है आपके लिए, आप 11th या 12th के अंदर किसी भी स्टैंडर्ड में ये नहीं किया है आप लोगों ने। ठीक है, तो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, द्विचल आवृत्ति वितरण आपेलू हसे, एट दैट टाइम हमको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे फाइंड करना है उसका फॉर्मूला पहले देखते हैं हम। फॉर्मूला रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर इक्वल टू एन सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई। तो यहां पे एफ मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, डिवाइड बाय अंडर रूट फर्स्ट ब्रैकेट एन सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा एफ डी एक्स द होल स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट एन सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा एफ डी वाई द होल स्क्वायर। तो इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो हमने शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला देखा था, वहां एफ नहीं था, ऐसा था सिग्मा एन सिग्मा डी एक्स डी वाई, तो उसकी जगह पे एफ बढ़ गया माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, ऐसा था उसकी जगह पे एफ बढ़ गया, सभी के अंदर एफ बढ़ गया। ठीक है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी है यहाँ। अब यहाँ डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स माइनस कैपिटल ए अपॉन सी एक्स, एंड डी वाई कैसे फाइंड करना है, तो वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। तो इस तरह से मुझे डी एक्स एंड डी वाई मिलेगा। ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा है फॉर्मूला और टाइटल, तो ये फॉर्मूला और टाइटल वीडियो को पोस्ट करके लिख दो, एग्जांपल्स कैसे करना है वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल से आगे पहले इतना लिख दो, ना चलो देखते हैं इस मेथड के अंदर फर्स्ट एग्जांपल। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट दो वेरिएबल आपको दिए हुए हैं, टेबल के नीचे देखो, कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड पे क्लासेस दिए हुए हैं, हाइट इंचेस उसके क्लासेस है 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 एंड 65 to 70। इसी तरह से वेट LBS में दिया हुआ है, उसके अंदर भी क्लासेस दिए हुए हैं 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120 एंड 120 to 130। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, मैं जो कुछ बोर्ड पे जैसे भी कर रहा हूँ वैसे आप लोग मेरे साथ स्टार्ट करना, तो ही पता चलेगा ये एग्जांपल के अंदर, नहीं तो पता नहीं चलेगा। समझ गया बेटा, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग स्केल पेंसिल और पेन लेके स्टार्ट हो जाओ, मेरे साथ ही करना। चलो सबसे पहले क्या करना है, तो एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे तीन कॉलम आएगी ऊपर क्रॉस लाइन के बीच में, जैसे कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीन कॉलम्स। इसी तरह से क्रॉस लाइन करने के बाद इधर भी थ्री कॉलम्स, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड हो गया। ठीक है, क्या किया फिर से बता रहा हूँ, यहाँ साइड पे क्रॉस लाइन किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और ये वाला थर्ड, इस तरह से मैंने कॉलम्स बना दिए, ठीक है, ओके। देखो आगे, अब क्या करना है आगे, तो ऊपर हम लिखेंगे वेट, यहां पे वेट, इन ब्रैकेट एलबीएस, साइड पे लिखना है हाइट, इन ब्रैकेट इंचेस, वेट ऊपर एलबीएस, हाइट लेफ्ट साइड पे लिखा एलबी इंचेस में। यहाँ पे क्लासेस आपको दिए हुए हैं 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120 and 120 to 130। ये लाइन को पूरा जाने देना है, ये लाइन भी पूरा जाएगा यहां से नीचे, यहां से नीचे। इसी तरह हाइट के अंदर 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 and 65 to 70। इसको भी लास्ट तक जाने देना है। मैं जैसे कर रहा हूं मेरे साथ में करना, पीछे रह गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने जैसे किया वैसे करो, ये क्लासेस है, पहला है 90 to 100, लास्ट तक जाना है, 100 to 110, 110 to 120 and 120 to 130, तो इस तरीके से टेबल बनेगा, ओके। लाइन्स सब ड्रॉ कर लो, देख लिया, ठीक है। अब अंदर हम फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, 50 to 55, 90 to 100 उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, फिर 6, 6 and 3, चलो आगे देखते हैं 7, 10, ये फ्रीक्वेंसी इस कॉर्नर से लिखना, यहाँ पे कुछ लिखना होगा वो आगे देखते हैं, 7, 10, 12, 8, 5, 7, 10, 6, 2, 4, 7, 3, ओके। तो अंदर से जो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी वो हमने लिखी। अब सबसे पहले यहां पे करेंगे हम टोटल, दैट इज एफ फ्रीक्वेंसी, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 7 और 10 17, 17 और 12 29, 29 और 8 37, 5, 7, 10, 6, 5, 7, 10, 6, 28, then 2, 4, 7, 3, 16, यहां भी लिखेंगे हम टोटल, दैट इज एफ फ्रीक्वेंसी। रो टोटल करना है, आडू टोटल करवानो छे, जेवी रीते अहीं उभू टोटल कर्यु तो हवे आडू टोटल करीशु, 4
7, 5, 2, 18 हुआ. देन 6, 10, 7, 4, 27. 6, 12, 10, 7, 35. 3, 8, 6, 3, 20. अब यहां हमको मिलेगा n, दोनों का टोटल, आडू टोटल उबू टोटल, राइट. 18, 27, 35, 20, 100 हुआ. इसी तरह से 19, 37, 28 एंड 16, तो ये भी 100 हुआ. ठीक है, अब सबसे पहले यहां ऊपर लिखेंगे हम मीड वैल्यू y और यहां लिखेंगे मीड वैल्यू x. मीड वैल्यू मतलब गुजराती मायने मध्य कीमत कही है. 90 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, 90 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 95 मिलेगा. और डिफरेंस 10-10 का है, 10-10 नो डिफरेंस है, तो 95 के बाद 105, 115 एंड 125. इसी तरह से मीड वैल्यू 50 प्लस 55 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 52.5. देन 5 का डिफरेंस है 57.5, 62.5, 67.5. आगे जाते हैं, मिड वैल्यू में पता चला 90 प्लस 100 बाय 2 करके 95 और 10-10 ऐड किए, 50 प्लस 55 डिवाइड बाय 2 करके 52.5 और 5-5 ऐड किए क्योंकि यहाँ पे क्लास लेंथ 5 का था. अब आगे देखते हैं dx, dx कैसे लिखना है, so, x माइनस a. अब यहाँ 19, 37, 28 एंड 16, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 37 हुआ, ज़्यादा वाला फ्रीक्वेंसी 37 है, तो 37 के सामने 105 है, इसको हम a लिखेंगे. सो x माइनस 105 डिवाइड बाय डिफरेंस, तो डिफरेंस है 10 का, dy, y माइनस, सॉरी हाँ, यहाँ पे मिड वैल्यू हमको x लिखना था, x लिख देना ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे y लिखना, चल, ओके, ऊपर वाला मिड वैल्यू x, इधर वाला मिड वैल्यू y. अब आगे देखते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी 18, 27, 35 एंड 20, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 35, 35 के सामने 62.5, ये हमारा हो गया b. y माइनस 62.5 डिवाइड बाय डिफरेंस 5 का है, यहां लिखेंगे हम dx और यहां लिखेंगे dy. ये dx है रो में और यहां कॉलम में dy, ठीक है, जहां a अज्यूम किया है वहां लिखेंगे हम 0, ए लिखा है वहां 0, लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3, -4 और राइट साइड पे 1, 2, 3, 4 इस तरह से आएगा. बी लिखा है वहां 0, ऊपर लिखना है -1, -2, नीचे लिखना है 1, 2, 3 इस तरह से, यहां 1 तक रहेगा, अंडरस्टैंड. तो ये मीड वैल्यू डी एक्स डी वाई इतने कॉलम्स हो गए हमारे. अब एफ डी एक्स, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, डी एक्स ये रहा, फ्रीक्वेंसी को डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 19 × 1, 19 माइनस में, 37 × 0, 0, 28 × 1, 28, 16 × 2, 32. तो यहाँ मुझे टोटल मिलेगा सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू 28 + 32 -19, आंसर मिला 41. इसी तरह से एफ डी वाई, ये एफ दिख रहा है उसको डी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 2 -36,
27 into 1 minus 27, 0. 20 into 1, 20. तो यहां मुझे सिग्मा एफ डी वाई मिलेगा, 20 माइनस 27 माइनस 36, टोटल इज माइनस 43. नाउ नेक्स्ट कॉलम, एफ डी स्क्वायर एक्स. इसी तरह से यहां पे एफ डी स्क्वायर वाई. ठीक है, अब एफ डी स्क्वायर एक्स कैसे मिलेगा? तो ये जो एफ डी एक्स मिला है इसको डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें. 19 इंटू 1 19 माइनस माइनस प्लस, 0 इंटू 0 0, 28 इंटू 1 28, 32 इंटू 2 64. तो मुझे यहां मिलेगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, मतलब कि टोटल 19 प्लस 28 प्लस 64, सो टोटल इज 111. एफ डी स्क्वायर वाई, एफ डी वाई को डी वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है. 36 इंटू 2 72, 27 इंटू 1 27, 0. 20 इंटू 1 20. सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 72 प्लस 27 प्लस 20, टोटल इज 119. नाउ लास्ट, एफ डी एक्स डी वाई. इसी तरह से यहां भी एफ डी एक्स डी वाई, दोनों साइड एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स डी वाई, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, तीन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करना है. फ्रीक्वेंसी डी एक्स एंड डी वाई, फ्रीक्वेंसी डी एक्स डी वाई, फ्रीक्वेंसी को डी एक्स एंड डी वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है. एफ डी एक्स डी वाई तीन वैल्यू का मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या होगा? एफ अगर जीरो है तो मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, डी एक्स अगर जीरो है तो भी मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, डी वाई जीरो है तो भी मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा. तीन में से कोई एक वैल्यू जीरो है तो आंसर जीरो मिलेगा, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई करना है. अंडरस्टैंड? चलो देखो, सबसे पहले ये डी एक्स मुझे जीरो दिख रहा है, दिखा, तो वहां सभी फ्रीक्वेंसी के बाजू में जीरो लिख देना है. जहां जीरो छे त्यां जीरो लखवानुं छे. हो गया, बैठ जाओ. जहां डी वाई जीरो है वहां जीरो लिखना है, ये रहा डी वाई जीरो, तो यहां सभी में क्रॉस में जीरो लिख देना है. जीरो जीरो जीरो, तीन जगह पे जीरो लिखना है. सबसे पहले जहां डी एक्स जीरो था वहां पूरा मैंने जीरो लिख दिया, फिर जहां डी वाई जीरो था वहां पे पूरा जीरो लिख दिया. अब कोई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर जीरो है तो उसके बाजू में जीरो लिखना पड़ेगा. देख लेते हैं, 4 6 3 5 7 6 2 4 3, ये सभी में से कोई वैल्यू अगर जीरो होता, 4 6 3 5 7 6 2 4 3, कोई वैल्यू अगर जीरो होता तो उसके बाजू में यहाँ पे मैं ब्रैकेट करके जीरो लिखता, लेकिन अभी जीरो नहीं है तो नहीं लिख रहा हूं. अब मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा मुझे, किसका किसका मल्टीप्लीकेशन करना है? तो फ्रीक्वेंसी डी एक्स डी वाई, देखना बराबर, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, दिख रहा है? उसका डी एक्स कितना है? माइनस 1, और 4 का डी वाई कितना है? माइनस 2. 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 8. समझन पड़े छे बेटा? फ्रीक्वेंसी डी एक्स डी वाई, 4 × 1 × 1 એટલે 8, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, તો યહાં હમ લિખેંગે 8. અંડરસ્ટેન્ડ? ચલો, ફ્રીક્વન્સી કિતની હૈ બેટા? દેખો, ઇસકો ફ્રીક્વન્સી બોલતે હૈ, 6 ઇન્ટુ ડી એક્સ માઇનસ 1,
इंटू डी वाई, सिक्स का डी वाई माइनस वन, मल्टीप्लीकेशन सिक्स, तो यहां ब्रैकेट में मैं लिखूंगा सिक्स, फ्रीक्वेंसी थ्री, देखो ये फ्रीक्वेंसी थ्री, डी एक्स माइनस वन एंड डी वाई वन, थ्री माइनस वन वन, थ्री माइनस वन वन, आंसर इज माइनस थ्री, ओके माइनस थ्री। चलो अब नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं, यहां तो सभी जीरो है, ओके अब फ्रीक्वेंसी फाइव, फ्रीक्वेंसी फाइव, फ्रीक्वेंसी फाइव, डी एक्स वन, डी वाई माइनस टू, फाइव फ्रीक्वेंसी फाइव, देखो ये फ्रीक्वेंसी फाइव, डी एक्स वन एंड डी वाई माइनस टू, तो ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस टेन, ओके यहां लिखेंगे माइनस टेन, फ्रीक्वेंसी सेवन, ये रहा डी एक्स वन, डी वाई माइनस वन, सेवन वन माइनस वन, सेवन इंटू वन इंटू माइनस वन, आंसर इज माइनस सेवन, यहां लिखूंगा माइनस सेवन, फ्रीक्वेंसी सिक्स, डी एक्स वन, डी वाई वन, सिक्स वन वन, ओके सिक्स वन वन, आंसर इज सिक्स, तो यहां लिखेंगे सिक्स। अब टू डी एक्स टू, डी वाई माइनस टू, टू इंटू टू इंटू माइनस टू, आंसर इज माइनस एट, ठीक है माइनस एट। चल फोर डी एक्स टू, डी वाई माइनस वन, फोर टू माइनस वन, फोर इंटू टू इंटू माइनस वन, आंसर माइनस एट, ठीक है। चलो फिर आगे थ्री डी एक्स टू, डी वाई वन, थ्री टू वन, आंसर इज सिक्स, तो यहां लिख देंगे सिक्स। तो इस तरह से एफ डी एक्स इंटू डी वाई का कैलकुलेशन आपको करना है, जो मैंने रेड पेन से बताया है आपको, ठीक है। अब उसका टोटल कर देंगे, देखो उसका टोटल कैसे करते हैं, रेड वाली का एट प्लस सिक्स फोर्टीन, फोर्टीन माइनस थ्री इलेवन, जीरो पूरा है तो जीरो, माइनस टेन माइनस सेवन प्लस सिक्स, माइनस टेन माइनस सेवन एंड प्लस सिक्स, तो सिक्स माइनस सेवन माइनस टेन, आंसर इज माइनस इलेवन। और ये वाला माइनस एट माइनस एट माइनस सिक्सटीन हुआ एंड प्लस में सिक्स है, तो आंसर मिलेगा माइनस टेन। सो सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई फाइनली मुझे मिलेगा माइनस इलेवन प्लस इलेवन कैंसल हो गया, तो आंसर मुझे मिला माइनस टेन, अंडरस्टैंड। और लास्ट में एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स डी वाई ये वाला रो टोटल करना है, आड़ू टोटल करवानू, हवे आ उभू करियो लाल पेन वाला नू, उभू टोटल करीने लिखू छे नीचे बेटा, हवे लाल पेन वाला नू आड़ू टोटल करीने अहीं लखीशु, अंडरस्टैंड। चलो देखो ये आठ और ये माइनस आठ, तो ये कैंसल हो गया, मतलब माइनस टेन, फिर छ माइनस सात माइनस आठ, तो माइनस फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स, तो माइनस नाइन, देन जीरो, छ और छ बारह, बारह में से तीन गया नौ रहा, तो प्लस नाइन माइनस नाइन कैंसल, सो सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई आंसर इज माइनस टेन। अब यहाँ पे जादू हो जाएगा, कौन सा जादू हुआ देखा आपने, एफ डी एक्स डी वाई दोनों तरफ से माइनस टेन आपको मिलेगा, एफ डी एक्स डी वाई माइनस टेन, यहाँ भी एफ डी एक्स डी वाई माइनस टेन मिलेगा, अंडरस्टैंड। तो ये पूरा टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ड्रॉ किया, बोर्ड पे जितना दिख रहा है
वो सभी आपको लिखना था, आपने लिख दिया होगा, नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। फिर इसके बाद हम ये सब वैल्यूज का यूज करके कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आगे फाइंड करते हैं। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, फिर आगे मैं पढ़ा रहा। नाउ अब ये जो वैल्यूज बची है हमारे पास, मतलब आपको टेबल रब कर देना ऐसा नहीं है, वो मेरे इसके अंदर से वैल्यूज का यूज करके फॉर्मूले में रखना है, इसलिए इतना रहने दिया मैंने। एन सिग्मा एफ डी एक्स सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स सिग्मा एफ डी एक्स इंटू डी वाई सिग्मा एफ डी वाई सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई सिग्मा एफ डी एक्स इंटू डी वाई, ये सभी वैल्यूज का यूज करके हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर इक्वल टू एन सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू ब्रैकेट सिग्मा एफ डी वाई डिवाइड बाय अंडर रूट फर्स्ट ब्रैकेट एन सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा एफ डी एक्स द होल स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट एन सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा एफ डी वाई द होल स्क्वायर नाउ एन इज 100 सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इज ये रहा माइनस 10 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इज 41 सिग्मा एफ डी वाई इज माइनस 43 डिवाइड बाय अंडर रूट इन ब्रैकेट एन 100 एफ डी स्क्वायर एक्स 111 माइनस 41 द होल स्क्वायर एन 100 एफ डी स्क्वायर वाई ये रहा 119 माइनस एफ डी वाई द होल स्क्वायर मतलब माइनस 43 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज टेबल के अंदर से हमने फॉर्मूले के अंदर डाल दी। अब कैलकुलेशन करेंगे। चलो कैलकुलेशन करते हैं। एन 100 था, 100 इंटू माइनस 10 तो माइनस 1000 मिलेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 41 इंटू 43 करेंगे तो 1763 मिला डिवाइड बाय अंडर रूट फर्स्ट ब्रैकेट 111 00 माइनस 41 का स्क्वायर करना है, 41 इंटू 41 आंसर इज 1681 119 इंटू 100 आंसर इज 11900 माइनस 43 का स्क्वायर करेंगे 1849 सो 1763 प्लस में है और 1000 माइनस में है तो 763 रहेगा डिवाइड बाय अंडर रूट 11100 माइनस 1681 आंसर इज 9419 इंटू 11900 माइनस 1849 10051 सो 763 डिवाइड बाय अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9419 इंटू 10051 मल्टीप्लीकेशन किया 9467036 9। अब इसका रूट निकालेंगे 763 एज इट इज, इसका रूट निकालो अंडर रूट 9729.87 और फिर आर का फाइनल वैल्यू हमको मिलेगा डिवाइड करने से 763 डिवाइड बाय 9729.87 आंसर इज 0.08। कंक्लूजन उसका लिखेंगे वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन
वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो आज हमने बाइवेरिएट टेबल, उससे कंटिन्यूस डेटा दिया हुआ था दोनों साइड पे, एक्स और वाई दोनों के बीच का जो डेटा था वो कंटिन्यूस डेटा दिया हुआ था। ठीक है, तो बाइवेरिएट टेबल से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने फाइंड किया। नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे, आज के लेक्चर में कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ क्लास वर्क करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलेंगे। बाय एवरीवन।